वाले कैसे अपनी मनमानी करते हैं, कोई मुझे जवाब तो दे ना, कैसे करते हैं वो? अगर करते हैं इसलिए करते हैं कि उनको पूछने वाला कोई, लेकिन आप अगर उसको अगर पूछने वाला कोई हो तो होना चाहिए एक रेगुलेटिंग बॉडी सर पोर्ट अफेयर्स के लिए। बाकी सब सारा छोड़ दें, कानून कौन से चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। मैं पोर्ट कासिम में 4 साल या 4.5 साल डायरेक्टर रहा हूं, वहां मैंने देखा है पैसा बेतहाशा है। केपीटी के पास बहुत पैसा है, पोर्ट कासिम के अंदर बड़ा पैसा है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना वो उस तरीके से नहीं हो रही जो कि मफाद में हो। आपसे मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप वहाँ बैठते हैं जो जहाँ आप ये बात कर सकते हैं आगे कि देखें आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, इसी वजह ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, इसलिए कि आपने गैस के रेट 3 गुना कर दिए। आप बात कर सकते हैं सर इस इन चीज़ों को, आपके पोर्ट्स को चलाने के लिए आपका GDP के ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। अभी GDP की श्रिंकेज हो रही है जो कि इंतहाई मायूस कुन बात है, उसको हमने जो है ना उसको देखना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स, आज के मैरीटाइम अफेयर के फेडरल मिनिस्टर जनाब कैसर अहमद शेख साहब, भरपूर तालियों। हमारी पॉलिटिक्स हो या बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, एक सबसे कामयाब चीज़ जो है दुनिया में यही है, उसका अभी तक कोई नेबल बदल नहीं निकला, क्योंकि हमारे बच्चे थर्ड जनरेशन में वो बात नहीं है, वो हमसे काबिल हैं, वो ज़्यादा पढ़े हुए हैं, उनमें उनका VN हमसे ज़्यादा है, लेकिन उनके में कमी है तो वो इंटरेक्शन की कमी है। 31 साल मैंने जद्दोजहद की है, इसलिए कि मैं देख रहा था कि दुनिया के दूसरे ममालिक कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा यकीन है कि जब तक बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में, पहले दिन से कहता हूँ, अंजम निसार यहाँ बैठा है गवाह है इस बात का, मैं ये पहले दिन से कहता हूँ कि जब तक आपके नुमाइंदे उन मामलात में नहीं होंगे जो हेल्थ ऑफ अफेयर हैं, जहाँ डिसीजंस होते हैं, जहाँ पॉलिसीज बनती हैं, तो पाकिस्तान को ज़्यादा तरक्की के मौके मिलेंगे। मैरीटाइम अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछले कई सालों से नेगलेक्ट किया जा रहा है। कराची चैम्बर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, हमारे सबका सदूर ने भी कोशिश की, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है इसके अंदर जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पर एजेंट्स हैं, शिपिंग कंपनी के एजेंट्स हैं, वो तमाम चूँकि फॉरेन शिपिंग कंपनीज़ के एजेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी नेशनल शिपिंग लाइन नहीं है, तो उसके लिए जो है वो अपनी हर धर्मी और उनकी मनमानी चीज़ें चल रही हैं उनकी, जिसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ KPT चेयरमैन का, सैयद ऐन रज़ा साहब का, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर एक मीटिंग कॉल की थी और काफ़ी उसके अंदर पेशरफ भी हुई है और कोशिश भी हमारी जारी है। लेकिन जब हमें पता लगा कि जनाब कैसर अहमद शेख साहब मैरीटाइम अफेयर के वज़ीर बन रहे हैं और वो वज़ीर बन गए हैं, तो हमारे एक सह रिलीफ हुआ कि इंशाल्लाह ताला, चूँकि आप कारोबारी आदमी हैं, आप अरसे से कारोबार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का, इम्पोर्ट का, इंडस्ट्री आपकी है, आप इनके मसाइल को बेहतर तरीके से जानते भी हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें आपसे उम्मीद है कि आप इसको हल करके ही जाएंगे, और यही हमारा आपसे मुतालबा है कि इनके जो मसले मसाइल हैं उसको आप शिपिंग कंपनी से अगर हल करवा देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक एहसान नहीं होगा, एक बहुत बड़ा साय रिलीफ होगा।
आपकी इकोनॉमी को सबसे बड़ा नुकसान जो है अगर कोई चीज़ मैं देखूं तो शिपिंग कंपनियों की तरफ से, और शिपिंग कंपनियों को क्योंकि जो मैं कई ऐसी मीटिंग्स के अंदर गया हूं जिसको वज़ीर आज़म ने चेयर किया, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें सारी शिपिंग कंपनीज और जितने भी इसके जिम्मेदारान थे सब थे, और 3 दिन वो सेशन चला और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें तय हुई, और आखिर में ये बात हुई कि जनाब एक रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी का बिल जो है वो लाया जाए ताकि वो उनको जवाब दें, क्योंकि इस वक्त आपकी जो मैरिटाइम के अफेयर्स की जितनी भी एजेंसीज हैं वो किसी को जवाब दे नहीं है। जब एक आदमी इंडस्ट्री लगाता है वो खूब मेहनत करता है, उसकी आगने वाली जनरेशन उतनी मेहनत नहीं करती, वो पढ़ती है, थोड़ी लाड में रही होती है, प्यार में रही होती है, अच्छी अच्छी जगह से एजुकेशन लेके आती है, वो ऑफिस से बाहर भी नहीं निकलती, बहुत कम होते हैं वो इंडस्ट्री का चक्कर लगाते ही हैं। फिर उससे आगे वाली जो जनरेशन आती है वो तो इंडस्ट्री आना भी गवारा नहीं करती, बोला मैं रिमोट से काम करूं। फिर उसके बाद एक ऐसी जनरेशन आती है बोलती है यार इंडस्ट्री किराए पे दे दो, फिर वो किराए पे दे देती है। फिर उसके बाद आगे जो मैंने कहा कि इसके बाद जो जनरेशन आती है वो नौकरियां करने लगती है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी यही काम किया है कि उससे पोर्ट्स चले नहीं, उससे टर्मिनल चले नहीं, उन्होंने किराए पे दे दिए, सब लैंडलॉर्ड बन गए। तो आगे क्या होगा ये अल्लाह को पता है। मैं कोई पिछले 30 साल से ट्रेड पॉलिटिक्स में हूं और खास तौर पे एक्सपोर्ट की, जो इस मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने 30 साल में कोई पॉजिटिव ग्रोथ नहीं देखी इस मुल्क में, नेगेटिव ग्रोथ ही देख रहा हूं। आज तो ये हाल हो गया, पहले तो हम ये सोचते थे कि फायर टेंडर भी अपने लगा रहे हैं, सिक्योरिटी के लोग भी अपने लगा रहे हैं, हम फैक्ट्रियों की दीवारें ऊंची कर दी, बैरियर्स लगा दिए, कैमरे लगा दिए। आज अब हम बिजली और गैस वो भी हमें लग रहा है कि हम खुद ही करना पड़ेगा, और सब बायोमास पे, सोलर पे और विंड पे जा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। तो मतलब ये हाल हो गया इंडस्ट्री का कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है हर काम खुद कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स ले रही है और कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं कर रही। आपकी जो मिनिस्ट्री है, अल्लाह ताला ने जो आपको ये मिनिस्ट्री दी है, मैं समझता हूँ बहुत अहम है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। चाहे कराची पोर्ट ले लें, पोर्ट कासिम ले लें, ग्वादर पोर्ट ले लें, फिशरीज ले लें, PNSC ले लें, यू नेम इट, कोस्ट गार्ड ले लें, तो जितना मौका आपके पास है ये पूरा पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज करने का। 100 बिलियन की ट्रेड आपके मिनिस्ट्री के अंडर होती है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो चाहे इम्पोर्ट्स हो। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस पर आप ऑन बोर्ड लें, एक ऑन बोर्ड जैसे आप कहते हैं मैंने ट्रस्टीज रखे हैं या बोर्ड है, ऐसे जो आप बोर्ड बनाने जा रहे हैं, शिपिंग कंपनीज को रेगुलेट करने जा रहे हैं, चैम्बर का आप नुमाइंदा अपने साथ उस बोर्ड में रखें, और बिलवानी जैसे बंदे जो यहाँ बैठे हैं जो समझते हैं ट्रेड को, या जो भी प्रेसिडेंट आए आइंदा उसको उस बोर्ड में होना चाहिए, जो भी कराची चैम्बर का प्रेसिडेंट हो, ये तो एक ऐसे काम कर जाए ताकि आइंदा जो हो खुद चैम्बर उस चीज़ को हैंडल कर सके। आपने कराची चैम्बर के साबिक सदर की हैसियत से बहुत से काम अंजाम दिए और आप बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, और इसी तजर्बे के रखते हुए आप जो है एज ए मिनिस्टर जो है हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है ताजरों के तमाम मसाइल को, बिजनेस कम्युनिटी के तमाम मसाइल को हल करेंगे। आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।